तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं चल जीके नगरी पर। दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए। तो ये क्वेश्चन है जो आने वाले हैं क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दिखाऊंगा वो क्वेश्चन जो मैंने पेपर डाउनलोड किया है वो आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उन्हें कराने वाला हूँ आज अभी। देखो कुत्ते ही बहुत सारे, क्योंकि मैं रात में करा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, आज जल्दी से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों जितने लोग देखते हैं उतने तो यार सब्सक्राइब करते भी नहीं हो आप, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मॉडल टेस्ट पेपर फॉर कमिंग एग्जामिनेशन फिजिकल एजुकेशन इज आर्ट साइंस, तो बोथ। आगे वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम बी हेल्ड इन 2010 में कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में। ओलंपिक आर ऑर्गेनाइज्ड एवर, तो 2004 ईयर, चार ईयर में। ओलंपिक फ्लैग रिंग सोर्स, तो ओलंपिक रिंग्स किसको सोर्स करती है? कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीप्स को। आ जाते हैं हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आर, तो हेड क्वार्टर ऑफ ओलंपिक कमेटी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हाँ, स्विट्जरलैंड में। व्हाट वाज अवार्डेड टू द विनर ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को जब जीतता था कोई विनर तो उसे दिया जाता था क्राउन मेड ऑफ ऑलिव लीव्स। क्या? क्राउन मेड ऑफ ऑलिव लीव्स, एक क्राउन दिया जाता था जो ऑलिव लीव्स से बनता था। आगे चलते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज नोन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ मालखम्ब। क्या? मालखम्ब मतलब जो होती है कुश्ती वुश्ती इस टाइप के कुछ है, तो मालखम्ब। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर वर द ओलंपिक ऑर्गेनाइज इन द ईयर ऑफ 2004, तो 2004 में कहाँ हुआ था? एथेंस में। कहाँ? एथेंस में हुआ था। आगे आईओसी अलॉट्स द गेम्स टू, तो आईओसी किसको गेम्स अलॉट करने देती है? कंट्रीज को। क्या? कंट्रीज को। ठीक है, आगे चलते हैं। हु आर द पार्टिसिपेट्स इन स्पेशल ओलंपिक्स, तो स्पेशल ओलंपिक्स में कौन पार्टिसिपेट्स करते हैं? कौन करते हैं? मेडिकल रिटायर्ड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। क्या? मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ठीक है, तो ये करते हैं। आगे द विटामिन गिवन बाय सनरेज, विटामिन डी। लाइपरजो इज कॉस्ट बाय, तो लाइपरजो एक बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया। किसके? बैक्टीरिया। आगे बीसीजी इन्फेक्शन वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स, तो बीसीजी इन्फेक्शन वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स किसको करती है? ट्यूबरक्लोसिस को। किसको? ट्यूबरक्लोसिस को। और हेमोरेज मे बी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। क्या? विटामिन के, जो हमारा ब्लड का थक्का नहीं जमता है ना, जो होते हैं ब्लड क्लोटिंग जो नहीं जमती है, तो उसकी कमी से होता है विटामिन के की। ठीक है, ऐसे चलते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज कॉज्ड बाय, कॉन्स्टिपेशन कब होती है? इनटेक ऑफ लेस वाटर। क्या? इनटेक ऑफ लेस वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब समझ मतलब उसकी तरह ही समझ लो, डिहाइड्रेशन की तरह, कि इनटेक ऑफ लेस वाटर मतलब कम पानी पीना। आ जाते हैं। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन, तो इंसुलिन कहाँ होता है? पैनक्रियाज में। कहाँ? पैनक्रियाज में। आ जाते हैं। फूड डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन मस्ट इंक्लूड द क्वांटिटी इन मैक्सिमम ऑफ प्रोटीन। क्या? प्रोटीन, जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी डाइट में खाने में प्रोटीन सबसे ज़्यादा देना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ WHO किसी को भी पता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को कौन नापता है? स्फाइग्नोमोनोमीटर। क्या? स्फाइग्नोमोनोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज, तो कितना होता है?
80 से 120 mm पर जी, ठीक है, ये नहीं होता है, इसमें होता है 80 120 से, ठीक है, इसमें है MMIG, ठीक है, MMIG, बट आपको लगाना क्या है, MMHG, ठीक है, 80 से 120। आगे, बिसाइड्स बेसिक फूड स्टफ लाइक प्रोटीन द बॉडी ऑल्सो नीड्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो किसको, विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स को, विटामिन एंड मिनरल्स को, प्रोटीन के साथ साथ बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स भी चाहिए होता है, ठीक है। आगे, कगर्स किसको बोलते हैं, कागर्स बोलते हैं बास्केटबॉल प्लेयर्स को, ठीक है, कागर्स बोलते हैं बास्केटबॉल प्लेयर्स को। आगे, एंटीना इज यूज इन वॉलीबॉल, किसमें, वॉलीबॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पूछा गया, हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। द टर्म यॉर्कर इज यूज इन, तो यॉर्कर कहाँ यूज होती है, क्रिकेट में, यॉर्कर बॉल। तो टाइगर वुड इज एसोसिएटेड विद, तो टाइगर वुड किससे एसोसिएट करता है, गोल्ड से, गोल्ड से, ठीक है। एल्ड्रिक टॉन टाइगर वुड, ठीक है, ये एक महान खिलाड़ी थे पहले के, जिन्होंने, जिनके नाम पे ये टाइगर वुड एसोसिएट पड़ा गोल्फ, ठीक है, इन्हीं के नाम पे पड़ा है गोल्फ का नाम, ठीक है, उनका नाम था एल्ड्रिक टॉन्ट टाइगर वुड, ठीक है, एल्ड्रिक टॉन्ट टाइगर वुड, ठीक है। आगे चलते हैं, माइकल फेरारे इज एसोसिएट विद द गेम ऑफ, तो किसके गेम से, बिलियार्ड, क्या बिलियार्ड, जो आपने देखा होगा बिलियार्ड होता है, जो एक डंडी सी होती है उससे बॉल को हिट करते हैं बिना छुए, तो उसे बोलते हैं बिलियार्ड। आगे चलते हैं, द लार्जेस्ट प्लेइंग एरिया इज, तो लार्जेस्ट प्लेइंग एरिया कौन सा है, किसका होता है, पोलो का होता है, किसका, पोलो का, किसका होता है, पोलो का होता है, ठीक है, पोलो का, और कितना होता है, 300 से 160 यार्ड्स, क्या, 300 से 160 यार्ड। आगे चलते हैं, आगा खान कप इज एसोसिएट विद द गेम ऑफ, आगा खान कप किससे एसोसिएट करता है, हॉकी से, किससे, हॉकी से। सिंधिया गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी, ठीक है। आगे चलते हैं, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, क्या, बैडमिंटन मैन, बैडमिंटन मैन से रिलेट करता है, ठीक है, बैडमिंटन से, बैडमिंटन मैन। और उबर कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन वुमेन, ठीक है, बैडमिंटन वुमेन, नोट कर लो, ये बैडमिंटन मैन से और ये बैडमिंटन वुमेन से, ठीक है, उबर कप और थॉमस कप, थॉमस तो लड़के का नाम है तो बैडमिंटन मैन से, उबर कप तो याद कर लो बस, उबर वुमेन के लिए और थॉमस मैन के लिए। अर्जुन अवार्ड इज अवार्डेड टू, अर्जुन अवार्ड होता है प्लेयर्स के लिए, किसके, प्लेयर्स के लिए, ठीक है। आगे, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं कोचिस को, ठीक है, कोच। आगे, एडन गार्डन स्टेडियम इज लोकेटेड इन, तो एडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में, क्या, कोलकाता में। आगे, डेड बॉल इज एसोसिएटेड विद, डेड बॉल होती है क्रिकेट में, आगे, जंप बॉल इज एसोसिएट विद, तो जंप बॉल कहाँ होती है, बास्केटबॉल में, कहाँ, बास्केटबॉल में जंप यूज होती है, जंप बॉल, ठीक है। आगे, बुली इज एसोसिएटेड विद, तो बुली किससे एसोसिएट करता है, हॉकी से, किससे, हॉकी से, ये जो बुली वर्ड है वो हॉकी से रिलेट करता है, ठीक है। आगे चलते, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज फॉर्म ऑफ कराटे, चाइनीज फॉर्म ऑफ कराटे को क्या बोलते हैं, कुंगफू, क्या, कुंगफू बोलते हैं ना। आगे चलते हैं, वर्ड खो इन द गेम ऑफ खो खो इज, तो जो ये खो वर्ड है वो खो खो में कहाँ से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, बंगाली से, कहाँ से, बंगाली से। आगे चलते हैं, वर्ड खो इन द गेम ऑफ खो खो मीन्स, तो खो खो का मीन्स क्या होता है, खो खो का, ठीक है, तो होता है गो एंड कैच, जाओ और पकड़ो, है ना, ये तो नहीं कहते हम, कम एंड कैच मतलब आओ और पकड़ो ना, हम दौड़ के आते तो किसी को जब हम देते हैं तो खो खो बोलते हैं ना, खो बोलते हैं, तो खो खो का मीन्स, खो का मतलब क्या होता है, गो एंड कैच, भागो और उसे पकड़ो, रन नहीं कहलाएंगे, रन नहीं कहेंगे क्योंकि भागना ही नहीं होता है, उस दूसरे पार्टनर को कैच भी करना होता है, पकड़ना भी होता है, ठीक है, गो एंड कैच आंसर है। आगे, चेस इज द फॉर्म ऑफ, चेस किसका फॉर्म है, तो किसका फॉर्म है, चतुरंगा, क्या, शतरंज, शतरंज का है, तो पहले जो भाषा बोली जाती थी वो इस, ये लैंग्वेज थी उसकी, क्या है, चतुरंगा, ठीक है, इसको कहता था, इसे कहते थे पहले, बस इसको नाम चेंज करके चेस रखा गया, ठीक है, इसका
शतरंज कहते थे हिंदी में, ठीक है आगे चलते हैं। ओल्डेस्ट रिकॉग्नाइज्ड पोलो क्लब इन द वर्ल्ड, तो ओल्डेस्ट रिकॉग्नाइज्ड पोलो क्लब इन द वर्ल्ड कहाँ था, कोलकाता क्लब, क्या कोलकाता क्लब, आगे चलते हैं। कर्णम मलेश्वरी इज एसोसिएटेड विद, क्या कर्णम मलेश्वरी किससे करती है, वेट लिफ्टिंग से, किससे वेट लिफ्टिंग से, ये एक लेडीज़ है ठीक है, कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग से। आगे सानिया मर्जी, सानिया मिर्जा बिलोंग टू द स्टेट ऑफ, सानिया मिर्जा किस स्टेट से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ठीक है हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, ठीक है मतलब आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, तो हैदराबाद से बिलोंग करती है, उनका जन्म भी हैदराबाद से हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है आगे चलते हैं। डीएनए स्टैंड फॉर, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे मेन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बोन इज, तो ह्यूमन बोन का मेन एलिमेंट कौन सा होता है, कैल्शियम, ठीक है बोन कैल्शियम से बनी होती है तो कैल्शियम होता है। आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आगे ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीज टू, तो ये कहाँ मतलब जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड कहाँ इंक्रीज होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने टिक कर रखे, मतलब आपको ढूंढना है ये क्वेश्चन, ठीक है और कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है, तो इस वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो इसका भी आंसर आपको देना है, ठीक है। आगे ये दो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, देना चाहता हूँ, कितनी कमेंट आएगी मेरे पे, ठीक है कितनों को पता है। आगे लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फ्यूमर, क्या फ्यूमर, ठीक है फ्यूमर होती है, और मसल कौन सी होती है, ह्यूमरस, क्या ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है ह्यूमरस होती है मसल लार्जेस्ट, और ये लार्जेस्ट बोन है, ठीक है। आगे द ब्लड ग्रुप विच इज़ यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर, क्या यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को, ठीक है ओ। मास्टर ग्लैंड इज, तो मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, तो नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी 206, सबको बताओगी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड बाय ऑक्सीजन, तो इनमें से ब्लड के द्वारा क्या कैरी किया जाता है, तो क्या किया जाता है, ऑक्सीजन, तो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है यहाँ से वहाँ करता है, हमारी पूरी बॉडी में लेके जाता है, ठीक है आगे चलते हैं। एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स डायरेक्टली अफेक्ट, तो एनाबॉलिक एस्टेरॉइड डायरेक्टली अफेक्ट किसको करते हैं, हार्ट को करते हैं, और HBP हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एनाबॉलिक एस्टेरॉइड लेते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर और लिवर डैमेज होने का खतरा रहता है, और किडनी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो आपको लगा के आना है, ठीक है, जिसमें दे रखा है ब्रेन मसल्स लंग्स ना, इनमें से जो मैंने टिक करवाए हैं उनमें से अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो टिक करना है, इसमें हर्ट था तो हर्ट पे टिक कराया, ठीक है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आता है तो आपको इनमें से एक ऑप्शन लगा के आना है, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर डैमेज या किडनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। सॉफ्टनेस ऑफ बोन इज नोन एज, सॉफ्टनेस ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस, क्या ऑस्टियोपोरोसिस, क्या ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है आ जाते हैं। द बॉडी स्टोर्स कैल्शियम, तो हमारी बॉडी कैल्शियम को कहाँ स्टोर करती है, बोन में, हड्डियों में। आगे कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है, ठीक है आपके लिए छोड़ा है, कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है ठीक है राइस में, ये तो बता दिए राइस में पाया जाता है, ठीक है। एक आंसर का भी, इस वाले क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना है मुझे, ठीक है कमेंट में जाके देना। व्हाट इज़ द एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर अ वर्किंग वूमेन, तो वर्किंग वूमेन के लिए एवरेज प्रोटीन कितना होता है, 46 ग्राम, ठीक है, और नेट पे चेक करोगे तो बहुत मिल जाएंगे कि 56 ग्राम होता है, 60 ग्राम होता है, कहीं 67 ग्राम होता है, कहीं 73 होता है, तो वो 37 होता है, तो जो एवरेज है ठीक है वो कितना होता है, 46 ग्राम, ठीक है 46 ग्राम। आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में कितना होता है पानी, 75% पानी रहता है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो हाइट ऑफ इंडिविजुअल कौन नापता है, स्टेडियोमीटर, क्या स्टेडियोमीटर, ठीक है आगे चलते हैं।
मुगल एम्परर वॉज एसोसिएट विद द गेम ऑफ पोलो? तो अकबर थे जो, वो पोलो को खेलते थे, रात में भी खेलते थे वो पोलो को, बहुत पसंद था उन्हें पोलो, तो रात में भी खेलते थे, तो अकबर। ठीक है, आगे, विंटर ओलंपिक बिगेन इन द ईयर, तो किस ईयर में हुए थे विंटर ओलंपिक? 1924 में फ्रांस में। ठीक है, 1924 में फ्रांस में बिगेन इन ईयर, तो सबसे पहले ओलंपिक, विंटर ओलंपिक जो है कहाँ हुए थे? 1924 में फ्रांस में हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन एंशिएंट ग्रीस स्काई गॉड वॉज, तो स्काई गॉड को क्या बोलते हैं वहाँ एंशिएंट ग्रीस में? ज्यूस। क्या? ज्यूस। ठीक है, ज्यूस। आगे चलते हैं। गोल्ड मेडल इन ओलंपिक वर फर्स्ट गिवन टू विनर्स इन, तो कब दिए गए थे? 1896 में एथेंस में, और बाद में जो नेट पे मैंने चेक किया था इसका आंसर, तो 1904 आ रहा था कहीं कहीं पे, तो 1904 आ रहा था, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है, वो आपका करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, 1896 कहाँ? एथेंस में। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉडी ब्यूटीफुल वॉज द आइडिया ऑफ, तो बॉडी ब्यूटीफुल आइडिया किसका था? ग्रीस का। क्या? ग्रीक का, ग्रीक्स का। ठीक है, ग्रीक्स का था कि बॉडी सुंदर रहेगी। ठीक है, बॉडी ब्यूटीफुल। आगे, नंबर ऑफ बॉल्स इन ओवर, क्रिकेट में ओवर होता है तो कितनी बॉल्स होती हैं? 6 बॉल होती है, 6 बॉल होती है, 6 बॉल ही तो फेंकता है वो। ठीक है, आगे, व्हाट डू यू लीन इन आ कैंप, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो लीन इन आ कैंप, हम कैंप क्यों लगाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आप आंसर में देना, आगे चलते हैं, आंसर में कमेंट में देना। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज, तो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। रैकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रैकेट्स की बीमारी हमें हो जाती है। आगे, इन विच गेम डू यू सी एंटीना, तो एंटीना किस में होता है? वॉलीबॉल में। आगे, खोखो इज पॉपुलर इन इंडिया इन, तो खोखो पॉपुलर है इंडिया में कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है। आगे, राजवर्धन सिंह राठौर इज एसोसिएट विद, तो राजवर्धन सिंह राठौर कहाँ से? शूटिंग से मेल झोल करते हैं, मतलब एसोसिएट शूटिंग से करते हैं। ठीक है, आगे, स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल हैज़ अ लेंथ ऑफ, तो कितनी लेंथ होती है? 50 मीटर होती है, और 50 मीटर किस में होती है? रेस कोर्स में 50 मीटर होती है, और कंपटीशन इन पूल्स में 25 मीटर होती है। कितनी? 25 मीटर होगी कंपटीशन इन पूल्स में, तो कंपटीशन होता है जो पूल्स में उसमें 25 रहती है, और रेस कोर्स में 50 होती है, तो देखना कि ऑप्शन में क्या होगा। ठीक है, तो 25 या 50 लगा के आना, अगर क्या चीज़ है ये, अगर रेस कोर्स होगा तो 50 और कॉम्पिटिशन इन पूल्स होगा तो 25। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ मैसेज या मसाज बोल दो, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, ढूंढ के कमेंट करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कमेंट में बताने के लिए। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यस ट्रू, एजुकेशन कभी भी ले सकते हैं, कभी भी, बूढ़े बूढ़े लोग भी आपने पढ़ते हुए देखे होंगे, तो वही है। हेल्थ इज़ वेल्थ, सही है, ट्रू है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर ट्रू की संभावना ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए और आपको ना पता हो तो ट्रू ही लगा के आना ज़्यादातर, अगर ना पता हो तुक्का अगर मार भी रहे हो तो ट्रू लगाना, क्योंकि ज़्यादातर ट्रू ही रहते हैं ज़्यादातर में। एजुकेशन मॉडिफाइड बिहेवियर, यस ट्रू, एजुकेशन बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, अगर एजुकेशन होगा तो भाई हमारा बिहेवियर में भी सुधार आएगा। तो बोलते हैं, जब बोलते क्या, बस एजुकेशन होता है तो बिहेवियर में सुधार आता है। ठीक, गदाफी स्टेडियम इज लोकेटेड एट, गदाफी स्टेडियम कहाँ पे है? लाहौर में। कहाँ? लाहौर, और मतलब लाहौर में भी है, पाकिस्तान में भी है, और पंजाब में भी है। ठीक है, पंजाब और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान तीनों में, मतलब बीचम बीच में पड़ता मान के चल लीजिए, तो लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान। ठीक है, तो गदाफी स्टेडियम को अगर लोकेशन दी जाएगी तो लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान तीनों की दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर पंजाब होगा तो पंजाब लगा देना, पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान, अगर लाहौर होगा तो लाहौर। आगे, आईपॉन वर्ड इज़ रिलेटेड टू, तो आईपॉन वर्ड जूडो से रिलेट करता है, किससे? जूडो से करता है, किससे? जूडो से। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूस वर्ड इज़ रिलेटेड टू, तो ड्यूस वर्ड किस में होता है? टेनिस में होता है। टेनिस में कब होता है ड्यूस? कब बोलते हैं? जैसे कंपटीशन का रिजल्ट जब दे रहे होते हैं,
कंपटीशन नहीं, कंपटीशन रिजल्ट नहीं, ड्यूस वर्ड तब देते हैं जब हम, जैसे हम मैच जीतने वाले हैं और हमने 2 पॉइंट तुरंत ही बना दिए, मतलब लगातार हमने 2 पॉइंट बना दिए, तो हमको ड्यूस देते हैं, ठीक है, ड्यूस देते हैं, ठीक है। ड्यूस वर्ड तब यूज़ होता है जब हम जैसे मैच जीतने वाले हैं और हमने लगातार 2 पॉइंट मार दिए, ठीक है, आगे लगातार मारे, यानी कि अभी ये मारा फिर अगला मारा, नहीं लगातार मार, ठीक है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, ग्लूकोज होती है। आगे डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज गोइटर, अगर आयोडीन की कमी होगी तो गोइटर की कमी हो जाएगी, जो हमारे गले में जो ये होता है एडन एप्पल जिसे बोलते हैं वो होता है गोइटर, वहाँ पे स्वेलन हो जाती है, तो आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन की, तो गोइटर कहते हैं उसे। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक इज, तो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक क्या है, पियर डी क्यूबर्टिन, क्या पियर डी क्यूबर्टिन, इसमें स्पेलिंग थोड़ी गलत दे रखी थी, बायरन डे क्यूबर्टिन, बायरन डे क्यूबर्टिन है, तो स्पेलिंग क्या है, पियर डी क्यूबर्टिन, ठीक है। आगे एनारोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ट्रू, एरोबिक में प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं एनारोबिक, और एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, ट्रू, हाँ एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन में करते हैं, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन में, ठीक है। आगे चलते हैं, पी ई एम स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्या माल न्यूट्रिशन, ठीक है, आगे याद रखना माल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या है, प्रोटीन एनर्जी, ठीक है, माल फंक्शन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है और ना मैग्नीफायर है, ठीक है, तो क्या है, माल, क्या माल के नाम से याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड इन 29th अगस्त, क्या 29th अगस्त, मौलाना आज़ाद ट्रॉफी इज़ गिवन टू द बेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सही है, ट्रू, कब दी जाती है, बेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को दी जाती है मौलाना आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है। आ चलते हैं, नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बींग, तो नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, 72 बीट पर मिनट, ठीक है, 72 बीट पर मिनट, ठीक है, 72 बीट पर मिनट, ठीक है, 72 होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, एनीमिया। एंशेंट ओलंपिक क्या स्टार्टेड इन 1776 BC में हुआ था, इन एशियंट ग्रीस द गॉड ऑफ सी वॉज, तो गॉड ऑफ सी किसको कहा जाता था, पोसिडोन को, किसको, पोसिडोन को, ठीक है, ये ऑप्शन लगाया नहीं बट याद है मुझे, पोसिडोन को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बुली इज एसोसिएटेड विद, बुली किससे होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जंप बॉल बास्केटबॉल से होता है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, बास्केटबॉल से होता है। मेडिटेशन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, यस ट्रू है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रू का ज़्यादा संभावना होता है, सत्य के ज़्यादा संभावना होता है, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा होता है, तो हम ना चाहते हुए भी फॉल्स नहीं लगा सकते, हमारे माइंड में ट्रू ही आ जाता है, ठीक है, तो देख के लगाना। योगा एंड प्राणायाम आर इंटरचेंजेबल, यस ट्रू, इंटरचेंजेबल है, मतलब योगा को भी हम बैठ के करते हैं और प्राणायाम को भी बैठ के करते हैं, ठीक है। आगे, फिजिकल एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, ट्रू, पार्ट ऑफ एजुकेशन है फिजिकल एजुकेशन। विच वन इज़ नॉट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की एम क्या नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है और सोशल डेवलपमेंट है, बट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिकल मतलब पैसा वैसा, तो उसमें डेवलपमेंट के लिए नहीं है फिजिकल एजुकेशन, ओनली फिजिकल मेंटल और सोशल, ठीक है। इनटेक ऑफ एसेंशियल फूड कंसिस्ट इन द बॉडी इन प्रॉपर क्या है, प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ट्रू, यस, तो जब हम सही खाना लेंगे और सही बैलेंस डाइट पे लेंगे तो उसे क्या, हाँ मतलब सही खाना लेंगे तो उसे प्रॉपर डाइट बोलेंगे, तो हाँ उसे प्रॉपर डाइट ही बोलेंगे। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।